मटर पुलाव बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून ऑयल और 1 टेबल स्पून घी दोनों का यूज़ किया है। अब इसको थोड़ा गर्म होने देंगे। ये सब प्रोसेस हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर ही यहाँ पे करना है। अब इसके अंदर 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून राई और 2 चॉप किए हुए हरी मिर्ची हम इसके अंदर डालेंगे। अब इसके अंदर हम 1/2 कप बेसन के गट्टे ऐड करेंगे और इसको 1 मिनट के लिए सोटे करेंगे। बेसन के गट्टों का कॉम्बिनेशन मटर पुलाव में बहुत अच्छे से जाता है इसके लिए। अब इसके बाद में हम 1/2 कप यहाँ पे बॉइल्ड मटर का यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैंने मटर को, आप चाहो तो फ्रोजन मटर का यूज़ कर सकते हो। यदि आपके पास फ्रोजन मटर नहीं है तो आप मटर को यहाँ बॉइल करके यूज़ करें जिससे उसमें कच्चापन नहीं रहे। अब थोड़ा सा हम नमक ऐड करेंगे, बाकी का नमक हम लास्ट में ऐड करेंगे। अब कुछ बेसिक मसाले ऐड करेंगे। इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च ऐड की है। अब इन सबको मिक्स कर देंगे। आप ये सब आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ कम ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम बॉइल्ड राइस ऐड करेंगे। यहाँ मैंने बासमती राइस का यूज़ किया है। इसको मैंने पहले से ही यहाँ पे उबाल के रखा हुआ था। आप चाहो तो यहाँ लेफ़्ट ओवर राइस में भी ये सब पुलाव बना सकते हैं। अब ये राइस को हम यहाँ पे बिल्कुल लाइट हैंड से मिक्स करेंगे जिससे हमारे जो राइस है वो टूटे ना, क्योंकि ये बॉइल्ड राइस है। अब इसके अंदर हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे और नमक को भी यहाँ मिक्स कर देंगे। अब इसके अंदर हम 1/2 टीस्पून लेमन जूस ऐड करेंगे। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन लेमन जूस काफ़ी बहुत अच्छा लगता है इसमें। अब चॉप किया हुआ हरा धनिया, इन सबको हम मिक्स कर देंगे। यह हमारे पुलाव बनके तैयार है। अब पुलाव को हम यहाँ पे सर्व करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये पुलाव कितने अच्छे से यहाँ बने हैं। इसे ज़रूर बना के ट्राई करें। रेसिपी नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।